हे गाइस, वेलकम टू द जीरो टेक की गेमिंग चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक बजट सेगमेंट में आने वाला गेमिंग व्हील के बारे में। काफ़ी लोगों का शौक रहता है कि भाई मुझे एक गेमिंग व्हील चाहिए जो बजट सेगमेंट में, जो हम लोग के बजट गेमर्स हैं उनका इतना बजट नहीं होता कि ये गेमिंग व्हील को जाके बाय करें। क्योंकि अगर आप लोग गेमिंग कम्युनिटी में एक्टिव रहते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि जो गेमिंग व्हील्स होते हैं उनकी प्राइसिंग काफ़ी हाई रहती है, भाई अराउंड 15,000-20,000 और उससे भी ऊपर काफ़ी चली जाती है। ये बजट सेगमेंट का बंदा है जो बजट सेगमेंट में गेमिंग व्हील लेना चाहता है, जो बजट सेगमेंट में मुझे एक गेमिंग व्हील दिखा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक रिव्यू करा जाए, इसके बारे में बताया जाए, किस स्पेसिफिकेशन के बारे में, बिल्ड क्वालिटी के बारे में, प्राइसिंग के बारे में, मतलब सारी चीज़ें इसके बारे में बताया जाए, इस वीडियो में कवर करेंगे हम लोग। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नौ वीडियो करते हैं जल्दी से स्टार्ट। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको, अगर आपका भी इंटरेस्ट हो गेमिंग और टेक कंटेंट में तो आप मेरे चैनल पे आइए और सब्सक्राइब कर भी ना मत जाना। वीडियो करते हैं जल्दी से स्टार्ट। मेरा नाम है जकी खान और आप देख रहे हैं द जीरो टेक की गेमिंग चैनल। बात करें अगर हम लोग अपने गेमिंग व्हील के बारे में तो मैं आपको बता दूं, ये आता है थ्रस्ट मास्टर की तरफ से, थ्रस्ट मास्टर फरारी रेड लेजेंड। बात करें इसके बारे में तो मैं आपको बता दूं, अमेजोन पे प्रेजेंट टाइम ये 5,000 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है, लेकिन लॉकडाउन से पहले आपको ये 3,500-4,000 रुपीज़ का देखने को मिल जाता है। लेकिन इन 5,000 रुपीज़ का प्राइस है और 5,000 रुपीज़ के हिसाब से आपको काफ़ी अच्छी ये फीचर्स और स्पेक्स ऑफर कर देता है। जितने भी आपको जो गेमिंग व्हील मिलते हैं, जैसे लॉजिटेक का हो गया या थ्रस्ट मास्टर के जितने भी आते हैं, तो उन सब का प्राइस अगर आप देखोगे जाकर तो 15,000-18,000-24,000 ऐसा प्राइस आपको देखने को मिलता है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा आपको प्राइस ऑफर कर देता है, काफ़ी बजट में रहते हुए आपको गेमिंग व्हील देखने को मिल जाता है और काफ़ी अच्छा आपको फीचर्स ऑफर कर देता है। मैं आपको बता दूं, आउट ऑफ बॉक्स इसमें आपको दो पैडल देखने को मिल जाते हैं, एक स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है। जो दो पैडल है वो एक आपको एक्सेलरेटर का देखने को मिलता है, एक आपको ब्रेक का देखने को मिल जाता है, बाकी आपको एक स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में तो मैं आपको बता दूं, जितने भी इसमें स्टीयरिंग व्हील में बटन देखने को मिलते हैं आपको, 11 एक्शन बटन देखने को मिलता है, सारे ही आपको प्रोग्रामेबल बटन देखने को मिल जाते हैं, डी पैड देखने को मिल जाता है, प्लस जो स्टीयरिंग व्हील है इसका वो आप इसको 90 डिग्री तक रोटेट कर पाओगे। हालांकि इसको 360 डिग्री तक नहीं कर पाओगे रोटेट, जो बाकी आपके स्टीयरिंग व्हील आते हैं उनमें आप 360 तक का रोटेशन कर पाओगे, लेकिन इसमें नहीं कर पाओगे। बट यहाँ पे प्राइस भी मैटर करता है, 5,000 रुपीज़ का आपको देखने को मिल रहा है, जो 360 डिग्री वाले रोटेशन वाले वो आपको 15,000 अबव प्राइस पे देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो 90 डिग्री आपको देखने को मिलता है रोटेशन, इसमें आपको ज़्यादा कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। अपने बजट के हिसाब से थोड़ा बहुत आप कंप्रोमाइज़ तो कर ही सकते हो, बाकी इसमें आप अपने स्टीयरिंग व्हील को इजीली अपने जो पैड्स हैं उससे इजीली कनेक्ट कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के। और एक आपको यूएसबी केबल देखने को मिल जाता है, यूएसबी इंटरफेस देखने को मिल जाता है, उसको आप अपने पीसी पर बस लगाना है आपको और बस आपका गेमिंग व्हील चालू। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी बटन थे मैंने आपको बताया प्रोग्रामेबल बटन है, तो इसको आप इजीली अपने पीसी सेटिंग से जा करके की मैप कर सकते हो, यानी कि मैपिंग वगैरह कर सकते हो, अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। बात करेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी तो मैं आपको बता दूं, फुल्ली आपको जो जिसका पैड है और जो इसका स्टीयरिंग व्हील है वो दोनों चीज़ें आपको प्लास्टिक प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन इस प्राइस में आप मेटल तो एक्सपेक्ट नहीं करोगे, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी जो प्लास्टिक यूज़ करेगी वो काफ़ी कमाल की देखने को मिलती है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की देखने को मिल जाती है। अगर आप इस गेमिंग व्हील की तरफ जाते हो, इसको लेते हो, तो आप ये रिग्रेट फील नहीं करोगे कि मैंने इसको ले लिया, बहुत ख़राब क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी आपको प्रोवाइड करता है, काफ़ी अच्छी आपको बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड कर देता है। बाकी स्टीयरिंग व्हील में आपको ग्रिप वगैरह भी देखने को मिल जाती है, तो अपने जो आपके हैंड्स होंगे आप इजीली उसको अच्छे से ग्रिप दे के पकड़ सकते हो। बाकी आप स्टीयरिंग व्हील को अपने माउंट कर सकते हो अपनी टेबल पे। मैं आपको बता दूं उसके गेम सपोर्ट के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि ये ऑफिशियली जितने भी आपके गेमिंग व्हील्स वाले गेम्स हैं, जैसे कि आपके फॉर्जा हो गया, आपका डर्ट रैली हो गया या फिर आपका NFS हो गया, तो इसमें आप इजीली अपने बस आपको प्लग इन करना है अपने गेमिंग व्हील को अपने पीसी से, सेटिंग में आपको की मैप कर देनी है, बाकी कुछ आपको करने की जरूरत नहीं, बस आपको अपना गेम को प्ले कर देना है। लेकिन जो अनऑफिशियल गेम्स हैं, जैसे कि आपका GTA 5 टाइप के, अगर आप उसमें खेलते हो तो आपको स्क्रिप्ट और आपको थोड़ी बहुत मॉडिंग वगैरह की जरूरत पड़ेगी, तो यार बजट में रह के थोड़ा बहुत तो कम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। और फिर हम लोग इंडियन से जुगाड़ तो हम लोग का रहता ही हर चीज़ में, थोड़ा बहुत कम्प्रोमाइज़ करके आप इसमें स्क्रिप्ट वगैरह लगा सकते हो और अपने अनऑफिशियल वाले जो गेम्स हैं, GTA 5 माफिया टाइप के जितने भी गेम्स हैं अनऑफिशियल वाले जितने भी हैं, उन सबको आप इजीली अपने मॉडिंग करके स्टीयरिंग व्हील से चला पाओगे। एट द एंड मैं आपको यही कहूँगा कि ओवरऑल ये गेमिंग व्हील आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर देता है, चाहे वो बिल्ड क्वालिटी में हो, चाहे वो स्पेसिफिकेशन हो, चाहे वो इसका परफॉर्मेंस हो। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप बजट में हो और एक गेमिंग व्हील लेना चाहते हो तो आप इसकी तरफ जा सकते हो, 5,000 रुपीज़ का देखने को मिल जाता है। अगर आप थोड़ा वेट कर सकते हो थोड़ा वेट कर लो, हो सकता हो कि आपको कोई डील में 3,500-4,000 रुपीज़ का देखने को मिल जाए, तो काफ़ी अच्छा ये डील में देखने को मिल सकता है आपको। अगर आप अपने पीसी का इन्हांस करना चाहते हो लोग, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो, किसी तरह का आपको रिग्रेट फील नहीं होगा, किसी तरह का आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, काफ़ी अच्छा ये बिल देखने को मिल जाता है आपको। तो बस यही था आज की वीडियो में, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, क्योंकि हम लोग रोज़ कमाल कमाल कंटेंट लेके आते रहते हैं। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।